नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव, एडवोकेट, और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने जो लाल रंग का बटन है उसको तुरंत प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सके। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक पति पत्नी का डिस्प्यूट, झगड़ा, जो कि कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। और कोर्ट कचहरी तक पहुंचने के बाद एक समय ऐसा आता है कि दोनों पति पत्नी हैं, वो आपस में समझौता करना चाहते हैं, दोनों आपस में मिलना चाहते हैं, लेकिन इनके बीच में दीवार आती है एक केसेस की, कि केस जो है वो पति कहता है कि तुम केस वापस लो तब मैं तुमको रखूंगा, और पत्नी कहती है कि तुम केस, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ लेकिन केस खत्म करना नहीं चाहती। तो ऐसे समय पर आपको क्या करना है, क्या इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, किस तरीके से आप दोनों एक भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ में केस की क्या केस क्या करना है इन केसेस का, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो तुरंत प्रेस करिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगी। क्योंकि जनरल चीजें, क्योंकि कानून और प्रैक्टिकल दोनों अलग चीजें होती हैं। कानून किताबों में लिखा हुआ है लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ और अलग से होता है, और किस तरीके की सिचुएशन सामने आती है वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा इस चीज में और इस वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप पूरा देखिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है नेक्स्ट टाइम वो आपको डायरेक्ट पहुंच सके। तो बहरहाल अब मैं बात बताता हूं आपके लिए कि जो पति पत्नियां जो हैं वो किसी प्रकार से, आप देखिए झगड़ा है, घर का घरेलू झगड़ा है, घरेलू झगड़ा वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, किसी भी माध्यम से हो सकता है, कोई भी उसका मतलब कहते हैं झगड़े की जड़ वो नहीं होते, पैर हाथ पैर नहीं होते, कहीं पर भी कर लीजिए। लेकिन उसको जो झगड़ा हो गया उसको निपटाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, मेंटली आपको प्रिपेयर होना जरूरी है। साथ ही साथ में आप जिस समय पर आप सोचेंगे कि अब मुझे एक हो जाना चाहिए या फिर जीवन खराब हो रहा है, पत्नी सोचती है ये बात भी कि हाँ मेरा परेशानी आ रही है बहुत ज़्यादा, पति भी ये सोचता है कि परेशानी बाकी जा रही है, तो फिर दोनों को एक होने के लिए इन बीच में जो केसेस आते हैं उन केसेस का सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। और आप वीडियो देख रहे हैं तो आप भी समझ रहे होंगे कि वाकई मैंने, अगर आप हस्बैंड ने तो आपने अपनी पत्नी से कहा होगा, क्योंकि उसने कई केसेस कर दिए, जैसे कि सेक्शन 498A और DV मेंटेनेंस, ये कैसे कई केसेस आपके ऊपर कर दिए, और करने के बाद जो है अब जो पत्नी है वो सालों साल हो गए और वो अपने घर पर रह रही है और आप अपने घर पर रह रहे हैं, मतलब आप दोनों के बीच में जो आ गए वो आ गए केसेस। तो पहली बात तो मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि आप अगर पत्नी हैं, महिला हैं, तो अपने पति पर केसेस करने से पहले 1000 बार सोच लीजिए, क्योंकि आपने एक बार केस कर दिया इसका मतलब फिर आप केसेस में ही उलझ जाएंगे, आपका जीवन केसेस में ही निकल जाएगा। तो एक तो ये आप सोच लीजिए कि मुझे केस करना है इसका मतलब फिर लड़ना है, फिर पति के पास जाना नहीं है। दूसरा, अगर आप केसेस नहीं कर रहे हैं तो देखिए एक समय ऐसा आएगा कि पति खुद अपने आप आ जाएगा आपके पास में और आपसे ये कहेगा कि चलो खत्म करो लड़ाई झगड़ा, एक साथ रहते हैं। तो वहां पर जो है आपको किसी प्रकार की केसेस की मतलब बात आएगी ही नहीं कि आपको एक साथ में रहना है, आप केस खत्म कर लो, जब केस हुआ ही नहीं तो खत्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जहां पर आप केसेस कर देते हैं तो देखिए वकील आपको भी समझाता है, पति को भी समझाता है, पति को बचाने के लिए समझाता है, पत्नी को उसको मतलब पति को कैसे फंसाना है ये बताता है। तो दोनों आपको जो है जब तक आप इस तरीके की लड़ाई लड़ते रहेंगे तब तक आप दोनों एक दूसरे से अलग ही रहेंगे। तो यहां पर जो है पत्नी से मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे केसेस डालते हैं तो आप पहली तरह तो ये माइंड में सेटल कर लीजिए कि अब आपका रिश्ता जो है वो 90% खत्म होने वाला है, 10% बचा है तो वो किसी प्रकार से बचा है, हो सकता है किसी की पत्नी की पति की मजबूरी हो, बस आप पति पत्नी जो है वो सिर्फ कोर्ट में है, बाकी रियल लाइफ में आप पति पत्नी नहीं रहे। यहां पर जो है जैसे आपने केस कर दिया फिर उसके बाद जो है वो आप पत्नी जो है वादी बन जाती है, यानी कि कंप्लेनेंट बन जाती है, और पति जो है वो एक्यूज्ड बन जाता है, यानी कि मुलजिम बन जाता है। तो पत्नी ने ही अपने पति को मुलजिम करार कर दिया, मुलजिम की कैटेगरी उसको दे दी, तो फिर अब साथ में रहने का कोई औचित्य बनता नहीं है। लेकिन जहां पर पति पत्नी किसी प्रकार से, हो सकता है कि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे के ऊपर केस कर दिए हों, क्योंकि पत्नियां जो हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं और फटाफट सोचती हैं कि अब इस पर मुकदमे लगा दिए जाएं, मुकदमे लगाने के बाद वो सोचती हैं कि अब वो परेशान होगा तो फिर मेरे पास आएगा, और वो पति जो है वो परेशान होकर आता नहीं है, परेशान होकर और क्रोध होता उत्पन्न होता है उसके कि मेरे पास ने मुकदमे कर दिए। ऐसे मेरे पास बहुत सारी कॉल्स भी आती हैं, बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं, और दूसरा हमारे अपने क्लाइंट हैं वो सब बताते हैं कि सर मेरे पास समस्या ऐसी है, और ऐसी समस्या देखिए ऐसी समस्या जो है किसी के भी साथ में आ सकती है। शादी करने का मतलब ये नहीं है कि आप केसेस लड़ें, कोर्ट कचहरी करें, लेकिन परिवार बनाना और बिगाड़ना दोनों में अंतर होता है। जैसे ही आप केस कर देते हैं परिवार बनता नहीं है, फिर बिगड़ जाता है,
और फिर वही चीजें अगर आप एक साथ कल को रह भी रहे ना, तो फिर वही चीजें वापस याद आती हैं कि तूने देख मेरे साथ में ऐसा किया, मेरे पापा को ऐसा लिखवाया, मेरी मम्मी के साथ में ऐसा लिखवाया, और सिस्टर जो कि शादीशुदा भी नहीं है उसने मेरे साथ में ऐसा गलत किया, इस तरह की चीजें आप लिखवाते हैं, तो वो चीजें सब याद आती हैं। और जब वो चीजें याद आती हैं ना, तो फिर जब साथ में आप रहते हैं तो फिर वही चीजें लड़ाई झगड़े का कारण बनती हैं फिर, क्योंकि समय के अनुसार जो है पति पत्नी का ये रिश्ता नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा करो, केस करने के बाद फिर एक साथ रहो। तो फिर कहते हैं ना कि एक बार खटास जब आ जाती है ना रिश्ते में, तो फिर वो चीजें लगातार बनी रहती हैं। तो बेहतर है कि आप केसेस बिल्कुल भी ना करें, मैं तो ये आपको एडवाइस करूंगा। जब करें, जब आपको सरफेस से पानी ऊपर जा रहा हो और आपको लग रहा हो कि अब ये रिश्ता बन नहीं सकता, और जब बन नहीं सकता तो फिर बिगाड़ो, पूरा तरीके से बिगाड़ो, फिर लड़ाई लड़ो उसकी न्याय की, अगर आपके साथ में वाकई गलत हुआ है तो। और अगर छोटी मोटी बातें हैं तो बेहतर है कि आप मीडिएशन के द्वारा ही समझा लें, या फिर जो थाने में जाते हैं आप, महिला थाने वगैरह जाते हैं, वहां पर भी बैठा के आपको समझाया जाता है, एक बार अगर वहां पर समझ जाए तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी प्रकार से जो है आपस में ये केस हो गए, ठीक है, पति पत्नी के बीच सेक्शन 498A मेंटेनेंस और DVDS कई केसेस हो गए, और भी इनके अलावा कोई केस कर दिए तो वो भी हो, तो इन केसेस के बाद जो है पति पत्नी में किसी प्रकार से आपस में बातचीत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो दोनों के पीछे प्रेम थोड़ा बहुत होता ही है, क्योंकि पति पत्नी की और पति पत्नी ही पति का है, तो दोनों में आपस में प्रेम तो है ही। लेकिन अगर आपकी किसी प्रकार से फोन पर या किसी प्रकार से बात अगर स्टार्ट हो जाती है आपकी, और आपसे पति कहता है कि आप जो है आपने केस जो किया है उनको वापस ले लिया जाए, तो उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? आपको देखिए, अभी लॉकडाउन का समय है, तो लॉकडाउन का समय है तो बेहतर है कि आप दोनों एक कॉम्प्रोमाइज, मतलब कॉमन कॉम्प्रोमाइज लिखवाएं, और कॉमन कॉम्प्रोमाइज में ये बात कहें कि हम जो है एक दूसरे पे जो केस किए हैं और उनको केसेस को हम वापस लेना चाहते हैं, और हम किसी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, और भविष्य में किसी प्रकार का हम कोई केस नहीं करना चाहते और नहीं चलाना चाहते। तो आपके लिए देखिए बेहतर यही है कि यहाँ पर देखिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के समय में जो है केसेस तो आपके किसी प्रकार से खत्म होने वाला भी है नहीं, क्योंकि प्रोसीडिंग ही नहीं चल रही है, तो फिर कैसे आप कर पाएंगे। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, और यहाँ पर जो है आपको ना ही तो कोई कोर्ट कचहरी का जो चीज़ें हैं वो आपको आपकी मतलब खत्म होंगी, पत्नी के लिए बता रहा हूँ मैं आपके लिए, और पति को भी ये सेटिस्फिकेशन हो जाएगा कि हाँ आप जो पत्नी जो है बाकी रहना चाहती है। और अगर आप ये भी समझौता करना नहीं चाहते हैं, तो मैं पत्नियों के पतियों के लिए बेस्ट बोल रहा हूँ आपके लिए कि फिर आप कॉम्प्रोमाइज ना करें, हो सकता है, क्योंकि ऐसे समय पर देखिए एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहली बात, लड़ाई झगड़ा हुआ, केसेस हुए, केसेस होने के बाद जो है ये सिचुएशन आई कि आप कोर्ट तक पहुंच गए। अब कोर्ट के बाद जो है वापस आप जा रहे हैं, तो देखिए हर किसी के मन में ये चीजें आती है, क्योंकि आजकल कॉमन चीजें चल रही हैं कि लड़कियां जो है वो घर पे जाकर पति के जाकर वो किस कुछ ऐसी नशीला पदार्थ या फिर कुछ ऐसी घटना घटित कर लेते हैं जिसकी वजह से पति फंस जाता है। तो ऐसा भी कई बार देखने को मिला है कि ऐसी पत्नियां जो ज्यादा ही मतलब चिड़चिड़ी हैं या ज्यादा गुस्सैल हैं, जो कि हो सकता है कि आपके साथ में अगर पहले कर चुकी हैं और दोबारा भी वो ना कर लें, तो इस तरह की तो फिर दूर ही रहिएगा, क्योंकि पास में रहने का कोई मतलब फिर नहीं बनता, क्योंकि आप किसी लड़के को किसी के परिवार को आप फंसाना चाहती हैं तो आप फिर आप मत करिएगा बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि जहां आप हैं वहीं बने रहिए, हो सकता है कि समय आने पर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत चीज़ें चल रही हैं, लड़कियाँ जो है गुस्से में आकर घर पर जाके ससुराल में जाके कॉम्प्रोमाइज़ तो हो जाता है, आप गुस्से में आकर वो उसको फंसाने के लिए या फिर कोई और बात बन रही है नई, इस वजह से वो लड़कियां कुछ खा लेती हैं, कुछ अपने मतलब निशान वगैरह बना लेती हैं, फिर बाद में फिर बहुत बड़ा आपके ऊपर केस आ सकता है, हो सकता है वो 307 का हो, ठीक है, क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर आपने जान से मारने की कोशिश करी पत्नी को अपनी, तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि ये मैं आपके लिए, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं किसी का घर बिगाड़ने के लिए कोशिश नहीं है मेरी, ना ही मैं किसी के लिए बता रहा हूँ, लेकिन हाँ एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों भी आपको देखना जरूरी है, एक भी आपको सही भी देखना है तो आपको गलत भी देखना है। अगर आपकी पत्नी ऐसी है कि ऐसी गुस्सैल है, वो ऐसे कर सकती है, तो फिर आप पति हैं और आप इन सब चीज़ों से दूर रहिएगा, और जो अपना परिवार है उसको भी बचाइएगा, अभी तक आप जेल नहीं गए, फिर उसके बाद आपको जेल जाना ही पड़ जाएगा, क्योंकि परेशानी समस्या सामने कुछ भी आ सकती है। तो ऐसे समय पर आपके लिए अगर लगता है कि बाकी मेरी पत्नी जो है वो चिड़चिड़ी है और ऐसा कदम उठा सकती है, क्योंकि वो पहले भी उठा चुकी है, पहले भी ऐसा कर चुकी है, धमकी दे चुकी है, तब भी आप इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज मत करिएगा, सीरियसली इनको लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है समय आने पर। पहली बात तो आपको एक दूसरे से बिगाड़नी नहीं है, और बिगड़ जाती है तो फिर देखिए बहुत फूक फूक के कदम आपको रखना है, क्योंकि कानून आज के टाइम में बहुत सख्त है, और कानून के दायरे में जो व्यक्ति फंस जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा समय बीत जाता है। अभी तक तो आपको कोई देरी नहीं हुई है, लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आपको देरी हो जाएगी, और समाज भी आपको ये कहेगा कि पत्नी को इन्होंने मारने की कोशिश करी या फिर और भी कोई चीज़ें। तो ये मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि
अगर आप दोनों सही होते, अगर आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और आपके परेशानी भी जैसी कुछ नहीं होती, तो आप डेफिनेटली यहां तक पहुंचते ही नहीं, कोर्ट कचहरी तक पहुंचते ही नहीं, वहीं पर आपका मैसेज मैटर जो है वो सॉल्व हो जाता। लेकिन अब जहां पर पहुंच चुके हैं तो फिर आप देखिए, अब पत्नी को भी कानून का ज्ञान हो गया है, ठीक है, और पति को भी कानून का ज्ञान हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे के साथ रहना है तो ऐसी हरकतें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। और जहां नहीं रहना है वहां देखिए, लड़ने से बेहतर है कि आप डाइवोर्स जाएं, म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जाएं, आप पिटीशन फाइल करें उसके लिए, ठीक है। और भी ज्यादा दिक्कत है तो आप अपने समझौते सामाजिक रूप से जो चाहते हैं आप उनको फॉलो कीजिए, लेकिन लड़ाई झगड़े में आपके लिए कुछ नहीं मिलेगा सिवाय तारीख, पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, ठीक है। और दूसरा, न्याय मिलेगा तो उसको वो भी बहुत देर बाद मिलेगा आपको, जब तक आपका जो उम्र है, एज है, वो आपकी निकल सकती है। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, बाकी मैं आई होप सो कि आप जो मैंने आपको बताया कि आप समझ में आ गया होगा, पति पत्नी का डिस्प्यूट है, आप उन चीज़ों को संभालिए, पहले किसी प्रकार से खत्म करिएगा जैसे डिस्प्यूट को, लड़ाई झगड़ा ज्यादा करने से कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत जो सामने लाल रंग का बटन है उसको तुरंत प्रेस करिएगा, बराबर से उसके बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नोटिफिकेशन मिल सके और आपको नई जानकारी जो है वो सीधे आपके तक पहुंच सके। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।